नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपना अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। बच्चों, जैसे हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, वैसे ही हमें अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण। परि अर्थात आसपास, आवरण अर्थात जो ढकता है, अर्थात जिन चीजों ने हमें चारों ओर से ढका हुआ है वो हमारा पर्यावरण है। जैसे सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, नदी, चट्टान इत्यादि सब कुछ, ये सब हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। और इन सब चीजों का ध्यान रखना, इन सब चीजों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। सबसे पहले बात करते हैं हवा की। हवा हमें दिखाई नहीं देती पर हमारे चारों ओर है और हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, तो इस हवा को शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप बच्चे ये काम कैसे करेंगे? जितना हो सके अपने घर में, अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाइए और अपने आसपास की हवा को शुद्ध कीजिए। पेड़ पौधे लगाने के बाद बात आती है उनकी देखभाल करने की, उनको अच्छी खाद देने की और पानी देने की। जैसे पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही पानी अन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमें न केवल अपने लिए बल्कि अन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए भी पानी बचाना चाहिए। पेड़ पौधों के लिए खाद उनका भोजन है। जिस तरह से हमें केमिकल वाला भोजन पसंद नहीं है, वैसे ही पेड़ पौधों को केमिकल वाली खाद या केमिकल वाले कीटनाशक पसंद नहीं होते। ये हमें हमेशा अपने पेड़ पौधों में प्राकृतिक रूप से बनी हुई खाद ही देनी चाहिए। जैसे पत्तों से बनी हुई खाद, वर्मी कीड़ों से बनी हुई खाद, गोबर की खाद या घर के गीले कचरे से बनी हुई खाद। आप अपने घर के गीले कचरे से यानी कि सब्जियों और फलों के छिलकों से भी खाद तैयार कर सकते हैं। अब आप बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जैसे आपने अपने घर के गीले कचरे से खाद बनाई, उसको रिसाइकल किया, कि क्या आप सूखे कचरे को भी रिसाइकल कर सकते हैं? आइए हम आपको कुछ उदाहरण दिखाते हैं। प्लास्टिक डीकम्पोज नहीं होता और गीले कचरे के साथ मिल जाने के कारण यह ठीक से रिसाइकल भी नहीं हो पाता, तो हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने घर का गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करके ही रखें। दूसरा, हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारे घर पर जितना भी प्लास्टिक आता है या तो हम उसे रीयूज कर लें या उसे हम रिसाइकिल कर लें। यहाँ आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं। हमने कुछ पुरानी बोतलों को रंग करके उनको सुंदर प्लांटर का रूप दिया है और उनमें पौधे लगाए हैं। कांच हजारों हजारों सालों तक डीकम्पोज नहीं होता, इसलिए कांच से बनी हुई चीजों को हमें बहुत सोच समझकर कूड़े में देना चाहिए। जहां तक हो सके उन्हें हमें घर पर ही रीयूज या रिसाइकल कर लेना चाहिए। यहां हमने एक कांच से बनी हुई बर्नी को पेंट किया और उसे एक सुंदर प्लांटर का रूप दिया। यहाँ हमने एक पुरानी साड़ी को टेबल कवर में बदला, एक पुराने सोफा कवर को कपड़े के थैले में बदला, ताकि हमें खरीदारी करते वक्त प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल ना करना पड़े। हमारे घर में कुछ सब्जियाँ इस तरह से जालीदार प्लास्टिक की थैलियों में आती हैं। हम इनसे ऐसे स्क्रबर बना सकते हैं और सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने एक पुरानी सीडी, सुतली और टूटी हुई माला के मोतियों से बहुत सुंदर कैंडल स्टैंड तैयार किया है। ऐसे पत्थर जो सड़कों पर यूं ही पड़े रहते हैं, उनको हम एक बहुत सुंदर आर्टवर्क के रूप में बदल सकते हैं। यहाँ हमने कार्डबोर्ड से बने हुए एक जूते के डब्बे से बहुत ही सुंदर बर्ड हाउस बनाया है और अपने घर में लगाया है, ताकि सुंदर सुंदर चिड़िया इसमें आकर अपना घोंसला बना सके। नारियल तो आप सभी खाते ही होंगे, उसके ऊपर का छिलका क्या आप सभी फेंक देते हैं? ऐसा नहीं कीजिए, वो बहुत सख्त होता है और उसके अंदर मिट्टी डालकर आप बहुत सुंदर प्लांटर्स बना सकते हैं और सुंदर सुंदर पौधे लगा सकते हैं। कभी कभी हमारे गमले पुराने हो जाते हैं, उनका रंग निकल जाता है, तो हम उनको फेंक देते हैं। यहाँ देखिए, हमने ऐसे ही एक पुराने गमले पर दोबारा से रंग करके उसे बिल्कुल नया जैसा कर दिया।